बात करेंगे तीन ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियों के बारे में जो हम चश्मा खरीदते समय करते हैं। उन गलतियों से होता क्या है कि हमारी आंखों को भी नुकसान होता है, हमारा पैसा भी खर्च होता है और जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो ऐसी मोस्ट कॉमन तीन कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, आइए जान लेते हैं। इनमें से जो फर्स्ट गलती होती है और सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है हम फ्रेम जो होता है बहुत अच्छा लेते हैं, फैंसी लेते हैं। हमारे चेहरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है, हमारे चेहरे पे उसका कलर मैच कर रहा है कि नहीं, हमारे कपड़ों के साथ उसका कलर कौन सा है, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वो हमारे चेहरे पे कंफर्टेबल कितना है। अगर हम नीचे झुकते हैं क्या वो लूज़ होकर नीचे तो नहीं उतर जाता, क्या हमें हर दो मिनट में वो ऊपर तो नहीं करना पड़ता। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके कलर के साथ में, उसके कपड़ों के मैच करने के साथ में, उससे भी ज़्यादा हमें ये ध्यान देना है कि हमारे चेहरे पे वो कंफर्टेबल कितना है, उसकी फिटमेंट कितनी अच्छी है, क्या हमारे चेहरे पे वो अच्छे से फिट है, क्या वो लूज़ तो नहीं है या क्या वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है कि हमारे चेहरे पे निशान डाल दे। दूसरी जो गलती होती है वो ये होती है कि हम जो फ्रेम होता है कलरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत महंगा खरीदते हैं। जब भी लेंसों की बारी आती है तो हम कहते हैं ऑर्डिनरी डाल दो, कोई से भी डाल दो, पता नहीं जी जो आपको ठीक लगे वो डाल दो। ऐसा नहीं है। आपको देखना जो होता है, जो आपकी आंखों के लिए मददगार होता है वो लेंस होता है, ना कि आपका फ्रेम। फ्रेम का काम सिर्फ चेहरे के ऊपर लेंसों को होल्ड करना होता है। तो आप फ्रेम कितना ही फैंसी लें, कितना ही अच्छा लें, कंफर्टेबल लें, लेकिन आपको लेंस अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अब तीसरी बात आती है कि हमें लेंस कौन से खरीदने चाहिए। तो जो तीसरा सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत आती है, जो गलती करते हैं, वो होती है रॉन्ग प्रोडक्ट खरीद लेना। उन्हें पता होता ही नहीं है हमें क्या लेना है, लेंसों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो उसके बारे में इस तीसरे पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान से सोचना है। तो तीन जो ये है, तीसरा जो पॉइंट है, इसमें सबसे मेन पहले ध्यान रखने वाली बात ये होती है, आप इसको तीन चीज़ों में डिवाइड कर दें। पहला तो आपका वर्क कैसा है, आप क्या काम करते हैं। दूसरी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड वर्क करते हैं, आपको बाहर घूमना होता है, आपको गाड़ी चलानी होती है, उसमें लोग गलती क्या करते हैं कि ब्लू कट लेंस डलवा लेते हैं जिसका कोई काम नहीं बनता। तो अगर आपको फील्ड वर्क करना होता है, आपको ड्राइविंग करनी होती है, तो आपको टिंटेड ग्लासेस लेने चाहिए या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस लेने चाहिए। अगर आप बाहर धूप में ज़्यादा घूमते हैं तो फिर आपको यूवी प्रोटेक्टेड लेंस लेने चाहिए। अगर आप बाहर जाएंगे, धूप पड़ेगी आंखों पे, तो जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, या फिर वो धूप में काले हो जाएंगे तो आपकी आंखों के आगे छाया रहेगी, आपको ठंडक महसूस होगी, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दूसरा, जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं, वो बहुत सी बार क्या करते हैं, वो ब्लैक लेंस डलवा लेते हैं, पीजी डलवा लेते हैं, फोटोग्रे धूप में काले होने वाले, या उसके अलावा वो कहते हैं हमें यूवी प्रोटेक्टेड लेंस डाल दो, जिससे कि उनका पैसा बेवजह बेकार जाता है। अब जो ऑफिस वर्क कर देगा, जो स्टूडेंट है, जैसे किताबें पढ़नी है, कंप्यूटर देखना है, मोबाइल देखना है, उसके लिए कोई फायदा नहीं है यूवी प्रोटेक्टेड लेंस लेने का, क्योंकि आप ना तो धूप में घूमेंगे और ना ही आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल से कोई अल्ट्रावायलेट रेज निकलने वाली है जो कि आपकी आंखों को बचा लेंगे। तो आपको उस कंडीशन में स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क करने वालों के लिए कोई फायदा नहीं होता टिंटेड लेंस लेने का, फोटोग्राफ लेंस लेने का, या फिर यूवी प्रोटेक्टेड लेंस लेने का। अगर आप स्टूडेंट या ऑफिस वर्क करने वाले हैं तो आपको निश्चित ही जो लेंस लेना चाहिए वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए उसमें, ब्लू कट, जो ब्लू रेज को रोक ले, जो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज हैं उसकी आपको आंखों में जाने से रोक ले। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्टूडेंट और ऑफिस वर्क करने वालों को ब्लू कट, और जो ड्राइविंग करते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं, उनको टिंटेड, फोटोग्रे या फिर यूवी प्रोटेक्टेड लेंस लेने चाहिए। तीसरी और जो मोस्ट कॉमन गलती होती है वो होती है कि हमें पता ही नहीं होता हम गलत तरह के लेंस डलवा लेते हैं। यानी कि अगर मुझे पूरे दिन बाहर घूमना होता है, मैं नज़दीक का कोई काम ही नहीं करता, तो मैं कहता हूँ मेरे लिए जो लेंस हैं वो नज़दीक वाले डाल दो। अब अगर नज़दीक के मैंने लेंस ले लिए तो मुझे दूर का उसमें नहीं दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, हम जब चश्मा खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि दूर का तो मुझे ठीक दिखाई देता है, मुझे दूर के तो किसी चश्मे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, नज़दीक वाला जो चश्मा है वो बनवा लूँगा। फिर चश्मा बनने के बाद मुझे उसमें डिस्टेंस में से कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं वापस आता हूँ ऑप्टिशियन के पास, ऑप्टिकल शॉप वाले से कहता हूँ ये आपने कैसा चश्मा बना दिया, इसमें मुझे नज़दीक का दिखता है, दूर का तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें से आप रीडिंग या रिटर्न वर्क भी करना चाहते हैं और आप दूर भी देखना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही बाईफोकल लेंसेज पे जाना चाहिए, जो कि क्रिटॉप बाईफोकल भी हो सकता है, जो कि प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। तो आपको बाईफोकल लेंसेज चूज करने चाहिए। और अगर आपका लिखने पढ़ने का काम नहीं है तो आपको निश्चित ही सेपरेट लेंसेज पे जाना चाहिए,
यानी कि अगर आप लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं करते, जैसे नॉर्मली कॉमन लोग बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने पढ़ने का बारीक कोई काम करना नहीं होता, तो उन्हें दूर का लेंस जो होता है डिस्टेंस विजन के लिए सेपरेट लेंस ले लेना चाहिए। असल में दिक्कत कहाँ आती है कि जो लोग नज़दीक का कोई काम नहीं करते, गांव के नॉर्मल लोग होते हैं या जो कुछ बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं या कुछ मजदूर जो लोग होते हैं, उन्हें दूर में ही देखना होता है, नज़दीक में उन्हें कोई भी ऑफिस वर्क या रिटर्न वर्क नहीं करना होता। अब जब आप बाईफोकल लगाएंगे, प्रोग्रेसिव या क्रिप्टॉक बाईफोकल जब आप लेंगे, केटी बोलते हैं जिसे, तो आपको चलने में गड्ढा जैसा महसूस होगा। जब आप नीचे से नियर वाले एरिया में से देखेंगे तो आपको पैरों में चलते समय गड्ढा जैसा महसूस होगा, जिससे कि गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर मान लीजिए कोई वर्कर है, कोई मजदूर है, और उसे छत पे या दीवार पे चढ़ के कोई काम करना है, उस कंडीशन में जब वो नीचे देखेगा उसे गड्ढा जैसा फील होगा, जिससे कि उसके साथ में कोई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर चश्मा बनवाना है तो आप अपनी सुविधा का पहले ध्यान रखें। आप जो फ्रेम चूज करते हैं वो कलरफुल होने के अलावा, उसका क्वालिटी मटेरियल अच्छा होने के अलावा, आपको वो कंफर्टेबल भी हो। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि आपका जो फ्रेम के अलावा आप लेंस उसमें अच्छे यूज करें, क्योंकि देखना आपको लेंसेज से है, ना कि फ्रेम से। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है आपके वर्क के अलावा आपको ये देखना है कि आप काम क्या करते हैं और मेरे वर्क के अकॉर्डिंग कौन सा लेंस मुझे सूट करता है। अपने डॉक्टर से, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से प्रॉपर सलाह लें कि आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा है, आपको किस तरह का चश्मा बनवाना चाहिए। कभी भी अपनी मर्जी से गलत सलाह लेके या किसी की बहकावे में आके कोई ऊटपटांग लेंस ना खरीद लें, ना ही कोई गलत चश्मा बनवा लें। आपका पैसा बेकार होगा, आपकी आंखें बेकार होंगी और आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।